गुड मॉर्निंग। आज हमारे घर में एक बच्चा हो गया है, मेरी भाभी का बेटा हो गया है और मैं दूसरी बार बुआ बन गई हूँ। पहले मैं तब बनी थी बुआ जब दीवांशी हुई थी, जिसको मैं दीपू बोलती हूँ, छोटी सी लड़की है। और अभी दूसरी भाभी का हुआ लड़का, उसका नाम अभी रखेंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ कद्दू की सब्जी। अंदर से पता नहीं कैसा होगा, कहीं पक तो नहीं गए, जिसका खट्टा बन जाएगा अगर पक गया होगा तो, कच्चा होगा तो सब्जी, पक गया तो खट्टा। तो पक गया है तो इसकी सब्जी अच्छी नहीं बनती, इसका बनेगा अब खट्टा ही। अब मैं क्या करूं, अब मैं गोभी बनाती हूँ। इतनी अच्छी धूप लगी है जो थोड़ी देर ही दिखती है इधर। और मम्मी ने लहसुन लगाया था, कितना अच्छा लग गया। ये बंदर आएंगे एक दिन में, इसको खा के चले जाएंगे। ये हमारे फूल है तो मुरझा ही गए बेचारे, लगते हैं फिर ऐसे हो जाते हैं मरे मरे। और लोग जा रहे हैं घूमने, हम तो कहीं नहीं गए। इतनी गाड़ियाँ जा रही है भर भर के, घूमने जा रहे लोग। सीता जी आप उठ गए? सीता जी मेरे को पटाखे मार सकती है। चल 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 दादी, मम्मी आप दादी बन गए हो। आमा जी आमा जी आमा जी, मम्मी मम्मी जी मठ बोले तो आमा जी आमा दीवांशी बोले तो आमा मम्मी, मैं तो सुन बोल दी दादी बोले जे क्या बोले मम्मी बोला आमा आमा, मम्मी बोलेंगी आमा। हम आ गए नर्सरी में धूप लगाने। ये सीता जी है, मम्मी मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी बोलती है, फिर बोली जी तमीज नहीं है खिलाने की। अभी हम जा रहे हैं घूम फिर के वापिस, अपनाएंगे हम खाना। गाइस अभी हम ऑफिस में आ गए हैं, अभी हम ऑफिस में काम करेंगे थोड़ी देर में। और मम्मी झाड़ू पोछा लगाएगी हम दोनों अंदर। आज छुट्टी, आज इधर कोई नहीं आया है। हाँ पहले हम इधर बैठते थे धूप लगाने के लिए ना सर्दियों में, लेकिन अब इधर ऑफिस बन गया तो हम इधर आ नहीं पाते दिन में, क्योंकि बड़े लोग होते हैं अंदर। चौकीदार अंकल ने साग, ये इतना अच्छा लगा है क्योंकि इधर सामने से आती है धूप और उधर वाली साइड आती नहीं क्वार्टर में। देख सकती हो कितना अच्छा लगा है हरा हरा। ये ऊपर से कुछ फेंक दिया तो नहीं दिख रहा अच्छा। इधर पिंजरा, इनमें बंदर पकड़ के लाते हैं। मम्मी ये कॉली तो मुझे असर लगेगा रही। एक बार हम इसके अंदर क्या लेके आए थे मम्मी? हाँ चूहे लेके आए थे, जंगली चूहे, उनके लिए लेके आए कॉली। ये देखी ना अंदर की दे लेके जान गंदी है। जो ये वाला क्वार्टर है ना, इधर थी हमारी एक दादी, रेशमी दादी भी अंकल की मम्मी। और जिस दिन मम्मी मेरा घर इधर नहीं होते थे और हम बाहर निकलते थे, अंदर ही बैठे रहना हमने। जैसे मम्मी पापा ने आना उन्होंने शिकायत लगानी हमारी, ए तू सर मठे अंदर निकल दे नहीं है बाहर हो, ये अंदर रहे बैठे क्या कर दे रहे हो भगवान। ऐसा लगा था सर अपनी दादी, मतलब इतना डर लगा था। मम्मी तो क्या गई मेरी मम्मी अड़ी लैंग्वेज बोल रही ना, थोड़ा डर गया ना मम्मी। हाँ रेशमी दादी गल अलग से सुना तू सब बेच दी थोड़ी मम्मी लेके गई थी मुझे लकड़ी लैन दी पारो। कितना किलो था ये तड़का? ये है प्याज, ये है लहसुन और ये है कद्दू। मम्मी ने बोला ठीक है बन सकती है इसकी सब्जी। ये है टमाटर, बहुत महंगे हो गए टमाटर दोबारा, कम डालो सस्ता नहीं कर दिया उन्हें गाइस। दो चार दिन पहले 50 रुपए के 2 किलो मिल रहे थे, उड़ता एक ही मिले। मेरा तड़का और इधर मेरी बन रही है ब्लैक कॉफी, किस किस को पसंद है मेरे को बताओ। बन गई। ओहो इसने तो कैमरा भी खराब कर दिया।
ये मेरे गले का लग चुका है, इसमें डाल दूँगी कद्दू। मैं घिया बोलने लगी थी, ये लग गया मेरे को कद्दू पकने। अब मैं निकालने लगी हूँ धनिया, पर मैं धनिया बंदरों से बुरे तरीके से निकालती हूँ, बंदर भी अच्छे तरीके से निकालते हैं उसे गंदे तरीके से, लेकिन मेरी मम्मी को पता नहीं चलता है बंदरों ने निकाला है कि अरसू ने। मैं एकदम यहाँ से सारे पकड़ती हूँ एक साथ और निकाल दो, ऐसे नहीं निकालते हैं, पर शुक्र है इधर बंदर आते हैं, मैं बच जाती हूँ। मम्मी को लगता है बंदरों ने निकाला होना, बंदरों ने तो सिर्फ एक बार निकाला है, बाकी मैंने निकाला ये। अब कौन निकाले एक एक, गाइस अभी हम जाने वाले हैं घर और पापा गए हैं गाड़ी ठीक करवाने, ठीक हो गई, उसकी बैटरी ख़राब हो गई थी, नई बैटरी डालेंगे फिर हम जाएंगे घर और हम काटेंगे आज घास ही घास पूरी, मतलब आज ही काट देंगे। मैं तो इतनी जल्दी जल्दी काटती हूँ भाई, पूछो मत, इनसे मैंने पूरा निकाल दिया है गाइस लहसुन। निकाल लेती हूँ मैं, बहुत टाइम लग रहा है निकालने में। इधर हमारा साग लगा है, दिख रहा है आपको, एक दिन मैंने शेक पिया था ना बनाना शेक घर में, लेकिन उसके बाद मेरे को मीठे से नफरत ही हो गई है कुछ, पता नहीं, या तो उसमें थोड़ा मीठा ज़्यादा हो गया, मीठा भी ज़्यादा नहीं था, पर मेरे को पता नहीं क्या हो गया, मैंने बनाना शेक पिया उसके बाद मैंने चाय पी ली, अब मेरे को ऐसे उल्टी आती है, मेरे को ऐसा लगता है मेरे को कड़वी चीज़ें खानी है और मीठा बिल्कुल भी नहीं खाना है। क्या पता आज भाई मिठाई का डब्बा ही ले आए फिर मेरे को खानी पड़ेगी, क्योंकि भाई का लड़का हुआ है। इधर हमारी सब्जी, कद्दू थोड़ा पक गया था तो इतनी मतलब अच्छी नहीं बनी है, ठीक ही बनी है, जैसी बननी चाहिए वैसी नहीं बनी है। और इसमें डाल दूंगी धनिया, और धनिया में एक पत्ता ये साग का भी आ गया है, और अब धोऊंगी बर्तन, बस इतना ही काम होता है मेरे को सब्जी बनानी बस। होगी तैयार और ये जा रहे हैं घर, हमने भी जाना था पर तू सजाना था पर इन्हें अपनी गड्डी ठीक की थी सर, बैटरी जाओ मतलब खराब थी, खड़ी हुई थी उधर, उन्होंने ठीक की उसकी बैटरी खराब हो गई थी, अली घर अभी नहीं पूछे गए ना बैटरी भी खराब हो, अब हम उसमें नई बैटरी डालेंगे। मम्मी हम तो नहीं जा रहे, आपको कैसा लग रहा है, अभी घास नहीं काटेंगे, पर अगर हमने जाना था तो काटना है ना घास आज तो काट, इतनी नाण तो नहीं है इतनी नाले देना था इतनी नहीं यार तेरी देखो जी सीता जी की तैयार नहीं रेगे चले हो इन लारा कर टैंकर काम मैडम जी ने रेगे ना देने कपड़े पहनो मैं केड़े कपड़े पहन रेगे तो लगे कहते 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 रेगे चल रहे 100 रुपए का कपड़े पहन बाहर लगी बस लगे बन रेगे का से ये देख रहे देखने जा रहे हैं कि टैंक ठीक बन रहा है कि नहीं है मम्मी वो सीख रहा कौन नहीं ठीक साढ़े पाँच और मैंने तो निकाल दिया आज मिर्टी का पूरा रस निकाल दिया आज मैंने ना, और कुछ सड़ भी गई है क्योंकि इनको निकाले हो बहुत टाइम हो गया, और हाँ दूजी बात अगर दिल्ली आने डिसपे करो, और मम्मी पापा तो नहीं आएंगे आज, वो रहेंगे घर में ही, सुबह आएंगे तो आज हम अपने लिए कुछ ऐसे ही बनाएंगे, मैगी मुगी खाएंगे क्योंकि हमने अभी रोटी खाई है, मैगी नहीं खाएंगे हम कुछ और बनाएंगे, क्या बनाना क्या खाना, पीयूष भी नहीं है उससे मंगवा लेते थे कुछ खाना हो तो, खुद हम जाते नहीं है दुकान में अच्छा लगता हमें। हमारी मैगी बन चुकी है और अभी हम खा रहे हैं मैगी, खाना नहीं हमने बनाया आज। ध्रुव रात हेलो गाइस, अभी हम जा रहे हैं लेजर लाइट देखने, और ये इटली वाले साथ ही अपने दोस्त हैं।
राइस सब्जी तेरे को बोल रही हूँ मैं ते चलो वैसे सर चले गए कौन गया अंकल लोग कितने गए अंकल ने कॉल कर दिया अभी हम जा रहे हैं बाजार घूमने जैसलमेर के बाजार घूमने जा रहे हैं हम ये हमारे साथ है अभी हम लोग बैठ गए कॉफी पीने के पीछे कैफे है और ये मेरे फ्रेंड है दो पता नहीं कहाँ चले गए